Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सही बोली हरकु भाई साहेब। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर गुरु हो तो हरकु जैसी होनी चाहिए, हरकु भाई साहेब जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खंडेरा को समझाया, जिस तरह से उन्होंने उसको शांत तरीके से चीजों को बताया, बच्चे के बिल्कुल दिमाग में गई बातें और वो तैयार हुआ। तो इसी पे चर्चा करते हैं, हरकु की बात पे चर्चा करते हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद वो इस तरह से सामने आई हैं। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि खंडेराव को अहिल्या मना के और समझा के लेके आ रही है बाबा साहब के पास ताकि वो उनसे बात करें, बाबा साहब का गुस्सा शांत हो और फिर से एक अच्छा माहौल घर में बने। तो ये चीज करते करते वो आती है, मगर खंडेराव की हिम्मत उनका साथ फिर से छोड़ देती है और वो रुक जाते हैं। और यहीं पे हरकु भाई साहब आती हैं और वो समझाती हैं उनको, और बहुत सही समझाती हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसी सोच रखती हूँ कि अगर बंदा परिस्थितियों से भागता है तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। उसी टाइम पे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जितना आप गैप डालते जाओगे, जितना आप उससे दूर भागते जाओगे, वो वही खड़ी रहेगी। बस आप सोचोगे कि प्रॉब्लम कुछ दिन बाद सॉल्व हो जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही चीज हरकु भाई साहब वहां पे समझाती है खंडेराव को कि परिस्थितियों से भागने वाला पुरुष नहीं होता है। मतलब कहने का, उनका पुरुष उस टाइम पे उस चीज को ज्यादा वो समझते थे, बट उस टाइम पे अगर पुरुष प्रधान समाज था तो ये चीजें ऐसी बोली जाती थी। मगर आज भी अगर हम इस चीज को सोचे तो इंसान की बात करेंगे कि वो इंसान ही नहीं है जो परिस्थितियों से भाग जाए, वो डरपोक है, कावड़ है। जैसे कि हरकु भाई साहब ने कहा कि ये बुजदली होगी, ये डरपोकता होगी अगर आप भागते हो। आप जाइए और सामना कीजिए परिस्थिति का, सामना कीजिए मल्हारराव होलकर का, और उनको बताइए कि आपको अपनी गलती का कितना ज्यादा पछतावा है। जब आप बताओगे नहीं, आप सोचोगे कि मैं कुछ दिनों का गैप लेता हूं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो और ज्यादा बढ़ेगा। उनको और ज्यादा लगेगा कि ये तो इस बच्चे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ा है तो फर्क दिखना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए। तो ये उनकी शिक्षा मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उस टाइम पे, जो उस टाइम पे जब चल रहा था तब भी, और अभी का टाइम भी चल रहा है उसमें भी, कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है, जो भी परिस्थिति है, उसको हेड ऑन देखिए, उसको देखिए क्या है, उसको सॉल्व कीजिए, और बिल्कुल ऐसे मन से सॉल्व कीजिए कि यस, ये सॉल्व होनी ही होनी है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। तो आप क्या कहते हो इस शिक्षा के ऊपर? आप भी अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में? जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई शिक्षा हो नहीं सकती है। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।